गोरखपुर में हुआ था आपका मेडिकल? एसएसबी हेडक्वार्टर गोरखपुर। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे पहले दिन? अब जिनने के लिए आपको देना पड़ेगा एडमिट कार्ड और 10th का मार्कशीट या फर्स्ट सर्टिफिकेट अच्छा, और फोर फोटोग्राफ्स और डोमिसाइल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में कुछ मान लीजिए डोमिसाइल की सर्टिफिकेट में कब तक का डेट है? कुछ डेट डेट का कुछ इशू है क्या? कोई भी इशू हो और आपको कोई दिक्कत है डोमिसाइल में तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए 5 दिन का टाइम दे दिया जाएगा, तुरंत आपको क्लियर नहीं होगा। अच्छा, 5 दिन का टाइम, 5 दिन का टाइम मिल जाएगा अगर कोई किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपकी दिक्कत हो तो? हाँ, 5 दिन का टाइम मिल रहा है, 5 दिन के अंदर आप जो भी डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड वो अरेंज करके ला के दे दो, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मोबाइल दूर करिए, फेस पूरा क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, चलिए आप सही हैं। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारी एंट्री शुरू हुई, तो एंट्री में जो सीरियल नंबर है वो मिलता है। सीरियल नंबर जैसे अगर आपका 1 to 30 है तो आपका चांस होता है कि आप बोर्ड नंबर वन में पड़ जाएंगे, ठीक है? अच्छा, तो इस प्रकार में सीरियल नंबर वाइज मैं अंदर भेजा गया। अच्छा, अंदर जाने के बाद एक लाइन लगी, लाइन वहां पे अंदर जाने के बाद 4 टेंट बने हुए हैं, बोर्ड नंबर 1, 2, 3, 4। अच्छा, तो आपका किस बोर्ड में था? हाँ, आपका किस बोर्ड में था? मेरा बोर्ड नंबर 1 में था। तो बोर्ड नंबर 1 में तो कुछ इजी है, बोर्ड नंबर 4 सुन रहे हैं बहुत हार्ड है। बोर्ड नंबर 4 बहुत ज्यादा हार्ड है, बोर्ड नंबर 4 में तो कल 30 में 2 पास हुए बस। 30 में बस 2 पास हुए हैं और बोर्ड नंबर पास हुए हैं मतलब। अब बोर्ड नंबर 1 में 1 में टोटल 16 पास हुए हैं, 16 30 बच्चे थे। कोई एब्सेंट? एब्सेंट मेरे ख्याल से नहीं थे, क्योंकि एब्सेंट का केस ऐसा था कि जैसे कि 117 लोगों को बुलाया था। अच्छा, और 7 एब्सेंट थे। 7 एब्सेंट थे, और उसके बाद 110 बचते हैं, तो 110 में 10 लोगों को ऐड कर लिया गया था। बैग जो जैसे किसी को डॉक्यूमेंट मिल गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट में दिक्कत आई। हाँ, तो डॉक्यूमेंट जो लाने गए थे ऐसे थे 10 लोग। अच्छा, ऐसे 10 लोग थे, तो ऐसे 10 लोगों को उसमें ऐड कर लिया गया, तो हो गए 120 हो गए। अच्छा, 120। हाँ, अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लाइन लगाई गई, लाइन लगाने के बाद एक हमें फॉर्म दिया गया, हमने फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद सभी को बारी बारी से अंदर बुलाया गया। डॉक्यूमेंट में कुछ इशू है क्या? डॉक्यूमेंट में और चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो SSC द्वारा चुना हुआ मिल रहा है आपको। वहाँ पे जो आपको कॉपी मिल रही है उसके नीचे पोस्ट प्रेफरेंस लिखा हुआ होता है। आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो पोस्ट प्रेफरेंस वहाँ पे चेंज होता है। मेरे पास एक ऐसा फॉर्म है, ठीक है, जिसमें जब फॉर्म अप्लाई करते टाइम कुछ और पोस्ट प्रेफरेंस था और उसने जब वहाँ पे गया मेडिकल देने तो पोस्ट प्रेफरेंस वहाँ चेंज था। तो SSC ने अलग से पोस्ट प्रेफरेंस पहले ही चूज कर रखा है। आप ध्यान से देखें तो आपके फॉर्म में नीचे लिखा है पोस्ट प्रेफरेंस सीरियल वाइज जो आपको SSC द्वारा मिला है। हाँ, बहुत से बच्चों को पता नहीं है, अगर पता होता तो वो लोग अपना देख लेते उसी टाइम। यहाँ पे आपका एक फॉर्म मिलेगा जिसपे आपकी फ़ोटो और पूरा डिटेल लिखा होगा, ऐसा फॉर्म नीचे, और उसके नीचे लिखा रहेगा पोस्ट प्रेफरेंस, उसमें लिखा रहेगा सीरियल नंबर, जैसे BSF हुआ, CRPF हुआ, उसका कोड लिखा रहेगा। हाँ, तो ऐसे उस वो खुद चूज कर दिया, नंबर के अकॉर्डिंग उसने खुद सेलेक्ट कर लिया कि इसको कौन सी पोस्ट मिलनी चाहिए ऑलरेडी। हाँ, तो चलिए उसके बाद क्या हुआ? ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे हुआ उसके बाद? नहीं, हमारा जो जो ब्लड यूरिन एक्सरे हुआ था। हाँ, ये हमारा पहले जिसके उसके बाद हमें जो डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट हमसे जो ले लिए गए। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद हाँ, कम से कम हमें बिठाया गया 3-4 घंटे। 3-4 घंटे? हाँ, 2 बजे हमें लिया ले जाया गया, बस में बिठा के बतिया था, वहाँ पे हमारा एक्सरे हुआ। हाँ, एक्सरे हुआ उसके बाद? एक्सरे बाद यानी कि 8 तारीख को हमारा यूरिन, ब्लड और एक्सरे और डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। हाँ, और 9 तारीख को पड़ गया संडे, वो ऑफ था, और फिर दोबारा 10 बजे 10 तारीख को हमें 7 बजे रिपोर्ट करना था। अच्छा, मंडे को? हाँ, जी मंडे को।
सैटरडे को था, इसलिए एक दिन गैप करके आपको फिर मंडे को बुलाया गया। मंडे को बुलाया गया 7 बजे करीब। हाँ, उसके बाद 7 बजे में लाइनअप किया गया। लाइनअप करने के बाद हमें बोर्ड नंबर दिया गया। बोर्ड नंबर के बाद हमें अंदर बुलाया गया एक एक करके। वहाँ पे हमारा ब्लड वेट, आई विजन, आई डिस्टेंस और कुछ हमें पढ़ाया गया। उसके बाद वहाँ पे पाइल्स, हाइड्रोसील, ये सारी चीजें कोई। अच्छा, उसमें बताए कुछ बच्चों को ओवरवेट है तो क्या दिक्कत हो सकती है क्या ओवरवेट वालों के लिए? 1-2 kg नहीं, ओवरवेट अगर आपका 5 किलो ज्यादा है या फिर 5 किलो कम है तो हाँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका आप किस बोर्ड में। अगर आप बोर्ड नंबर 4 में है, हाँ हाँ, आपका 2 किलो ओवरवेट है तो आपको रीमेडिकल मिलेगा फिक्स है। अच्छा, 2 किलो भी है तभी वहाँ पे रीमेडिकल मिल जा रहा है बोर्ड नंबर 4 में? क्योंकि वो ऐसे डॉक्टर है कि वो आपको वो रीमेडिकल खोजते हैं किसी भी पॉइंट में, मतलब मिल जाए आपको रीमेडिकल कैसे देना है वहाँ पे दे देंगे रीमेडिकल। आपको कैसे रीमेडिकल देना है बस। अच्छा, चांस ढूंढ रहे हैं वहाँ पे। और हमारे बोर्ड में ऐसा है कि अगर आपका 5 kg जो वेट डॉक्टर से उन्होंने बताया था, अगर आपका 5 kg ओवरवेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें दे देंगे एक्सचेंज। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? वेट होने के बाद ये सारी चीज हो गई और उसके बाद दोबारा से जो मेन डॉक्टर थे हमारे, हाँ, अभी तक हमारा जो मेडिकल लिया उन्होंने एक डॉक्टर साहब से उन्होंने लिया, लेकिन अब तो हमारे मेन जो डॉक्टर थे वो कमांडेंट रैंक के थे, वो बाद में आए तो उन्होंने हमारा मेडिकल मेडिकल चेकअप शुरू किया सारा। जितना जैसे कि आपका जो हाथ का होता है कोहनी का, वो चेक पूरा, एंगल किसी का टेढ़ा नहीं है और नोक नहीं। और अच्छा, उसमें कुछ एंगल मिला रहे हैं क्या? हाथ के जो कोहनी है उसको एंगल से मिला रहे हैं क्या? उनके पास एक पैमाना टाइप का है, वो एंगल चेक करते हैं। अच्छा, कितना एंगल होना चाहिए उस पे? एंगल नहीं होना चाहिए उनको, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। उनके पास चेक करने का अपना तरीका है ना, जैसे कि वो चला के भी चेक कर रहे हैं। अच्छा, कि कैंडिडेट चलते हैं तो उनका हाथ दिखता कैसे पीछे से। अच्छा, मेरे साथ ऐसा था कि मैं आपको बताऊं, 30 कैंडिडेट्स में से मैं ही केवल ऐसा था कि मतलब मेरा ऐसे हाथ देखा गया, उसके बाद उसमें उन्होंने अपना जो पैमाना था वो लगाया ही नहीं, क्योंकि मेरा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट सीधा है। अच्छा, तो मुझे दिक्कत नहीं आई। अच्छा, सीधा देख लिया आपका हाथ। और नोकनी कैसे चेक कर रहे थे? नोकनी बिल्कुल आपको मतलब एड़ी सटा के पंजा खोल के खड़े होना है और पैर को पीछे दबाना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना है, वो देख लेंगे, देखते जाते थे आराम से। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसेस बहुत ईजी है नोकनी का। बोर्ड नंबर 1 में, बोर्ड नंबर 4 में नौकरी का प्रोसेस काफी तकड़ा है मेरे हिसाब से, मैं देख रहा था। अच्छा, वो अपने हिसाब से पैर सटवा रहे थे और अपने हिसाब से उसमें हाथ लगा के चेक कर रहे थे, जबकि मैं डॉक्टर बिल्कुल दूर से चेक देख के बस क्लियर कर दे रहे थे, देखकर ही क्लियर कर दे रहे थे। दूर से। चलिए, उसके बाद अब इतना होने के बाद हमारा ईयर टेस्ट हुआ। ईयर टेस्ट होने के बाद एक पेंसिल सी हमारे आंख के सामने लगाई जाती है, जैसे कि पुतली किसी घूम रही है, किसी की पुतली राउंड होती है या फिर नहीं होती है। अच्छा, पेंसिल आपके आंख के सामने लगाई जा रही है और आपको बोला जा रहा है कि इस पेंसिल को देखिए बिना सर हिलाए। देखो पेंसिल कहाँ जा रही है उसको आप देखना है। अच्छा, आपको बस देखना है बिना सर हिलाए। हाँ, बिना सर हिलाए देखना होता है बस। आंख आपका हिलना चाहिए। चलिए, और नाक में डीएनएस में क्या देखा जा रहा है? डीएनएस टेस्ट कैसे क्या हो रहा है? डीएनएस में आपको नाक अपनी उंगली से उठानी है और वो चेक कर लेंगे, अगर आपकी हड्डी बड़ी होगी तो साफ साफ क्लियर दिख जाती है किसी को भी। अच्छा, नाक उंगली से उठाना है और हड्डी बड़ी रहेगी तो साफ साफ दिख जाएगी, बाहर निकली रहेगी जो, तो डीएनएस है तो तुरंत पता चलता है वो किसी को भी। अच्छा, वो सीधे पता चल जाता है। उसके बाद ये आई डिस्टेंस टेस्ट कैसे हो रहा था? वो पहले चेक हो गया था, डिस्टेंस वेजन जो होता है वो पहले चेक हो गया था। कैसे चेक हो रहा था उसको? लेटर नहीं पढ़ाते? हाँ हाँ, जो मतलब जंबल्ड होते हैं लेटर्स, एक्स एच वाई ए बी, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में होते हैं, इस मतलब साइज के अकॉर्डिंग, साइज पहले बड़ा फिर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। हाँ हाँ, और हमें पढ़ने कुछ लाइंस पढ़ाए गए थे इंग्लिश में या फिर हिंदी में। अच्छा, तो हिंदी हिंदी और इंग्लिश में है वहाँ पे। अच्छा, ना और फ्लैट फुट जैसे कि पानी उनी में लगा के उस चेक किया जा रहा है क्या फ्लैट फुट के बारे में कुछ? फ्लैट फुट चेक हो रहा है पानी वाला, बोर्ड नंबर 2 और 2, 3, 4 मुझे शायद चेक हो, लेकिन हमारे डॉक्टर जो पता है वो कर रहे हैं, आपको लाइन से खड़ा कर देंगे और आपको पीछे मुड़ने के लिए बोलेंगे। पीछे मुड़ने के लिए बोलेंगे सभी लोग अपना लेफ्ट पैर ऊपर उठाओ। हाँ, तो लेफ्ट पैर ऊपर उठाने से जो पैर में मिट्टी लगी होती है जितनी पोर्शन में। अच्छा, गेस कर रहे हैं कि बंदे के ये फ्लैट फुट है या फिर
ठीक ना, इनका क्लियर है। अच्छा, मतलब वो अगर आपके पैर में जितनी भाग मिट्टी लगी होगी वो उनको पता चल जाएगा, काफी अनुभवी और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं वो। बोर्ड नंबर एक में, हाँ बोर्ड नंबर वन में अनुभवी डॉक्टर हैं। अगर पूरी पूरे पैर पे मिट्टी लगी रहेगी तो मतलब फ्लैट फुट है, अगर कहीं गैप रहेगा बीच में। तो हाँ बिल्कुल 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 राइट। चलिए, और कुछ ये जीभ वोभ का क्या, कैसे देख रहे हैं, जीभ निकलवा रहे हैं सुन रहे हैं? जी हमारे में चेक नहीं हुआ था, जीभ चेक हुआ था बोर्ड और बोर्ड नंबर फोर में, किसी ने बताया था मुझे, उसमें जीभ चेक कर रहे हैं। और ये आँख, अच्छा कह लो कि इजी ही माना जाएगा, बहुत हार्ड नहीं था लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लिमिट मिल गया है, 14 कैंडिडेट्स। अच्छा, चलिए। और दांत, दांत में क्या हो, कितने कैप लगे रहने चल जाएगा दांत के बारे में? दांत में कैप तो कंसीडर कर ही नहीं रहे, अगर आपको कैप है तो आपको रिमेंडर श्योर मिल जाएगा, कैप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मेरे का दरअसल मेरे बैच में किसी किसी का कैप नहीं लगा हुआ था, बस अगर आपके जितने दांत हैं उसके साथ से आपको पॉइंट मिल रहे थे, पॉइंट 22, 21, 20, 18 मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने पॉइंट से मिल रहे थे? 22 या 24 बाईस या 24 पॉइंट मिल रहे हैं दांत में। चलिए, और पाइल्स का चेकअप कैसे हो रहा है? पाइल्स चेकअप ऐसा हुआ था, दीवार की साइड लोगों को खड़ा कर दिया था, उसके बाद लोगों को झुकने के बाद उसके बाद लोगों ने उन्होंने टॉर्च से अपना चेक कर लिया। अच्छा, और उसके बाद फ्रंट बढ़ाया, फ्रंट बढ़ा के लोगों ने अपना जो हाइड्रोसील वो अपना दिखाया। अच्छा, और पेनिस में वो नली होता है पेशाब नली, वो चेक करते हैं। अच्छा, वो भी चेक हो रहा है? हाँ सब कुछ हो रहा है। चलिए, और बीपी में क्या हो रहा है, बीपी में कितना नॉर्मल है बीपी? ब्लड प्रेशर आपको 120 या 125 करने ही करना है, जैसे मेरा बीपी दो बार चेक हुआ था, एक बार मेरा 140 आया था, फिर दोबारा से 122 आया था। अच्छा, तो बोर्ड नंबर वन है, इनमें इन्होंने टाइम दिया था 3 बार, किसी कैंडिडेट का बीपी अगर हाई है तो उसको 3 बार वो नाप करके उसको नॉर्मल मोड में करके दे देंगे, लेकिन अगर आपका यही केस अगर आपका वोट नंबर 4 या 2 में है तो आपको पहली बार में रीमेडिकल मिलेगा, पहली बार में आपका वन फोर का भी। अच्छा, यानी कहने का मतलब है बोर्ड नंबर 4 हार्ड है एकदम गोरखपुर का। चलिए, यानी कि वो डॉक्टर तो अच्छे हैं क्योंकि उनको मतलब एकदम 100% फिट मिलने चाहिए, अगर थोड़े से भी डॉक्टर बिल्कुल यंग है, वो असिस्टेंट कमांडेंट रैंक है, वो न्यूली अपॉइंटेड है, उनको भी सर्विस में आए 3 साल हुआ है, तो लोग जो जो जीडी है वहाँ पे वो उनके बारे में बता रहे हैं कि काफी काफी अच्छे और डॉक्टर हैं, इनको ऐसा नहीं कि उनको फेल ही करना है, उनको 100% फिट बनना चाहिए, मतलब उसमें कोई कमी ना हो, मतलब उनके आप अगर पॉजिटिव सोचो तो आपको ये लगेगा कि उनका फिट किया बंदा कभी बीमारी नहीं होगा। हाँ, और उसे कोई हार्ट डिजीज। हाँ हाँ सही है, मतलब वो सोच रहे हैं कि 100% फिट बन दे मिले उनको, ऊपर कोई उंगली ना है, कोई आंच ना है आगे जाकर के। हाँ, सही है। और न्यूली अपॉइंटेड है हमारे डॉक्टर जो कमांडेंट रैंक के हैं और कम से कम उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है फोर्स में। हाँ, एक्सपीरियंस वाले वो हैं, न्यूली अपॉइंटमेंट वो हैं, और हार्ट चेक हो रहा है वहाँ पे। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं अपने व्यूअर से अपने? हाँ, अब आगे जिसका मेडिकल उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और मैं प्रे करूंगा कि जो ब्यूटी देखे वो बोर्ड नंबर 1 में पड़ जाए, 4 में ना पड़े। चलिए, वो तो उनके भाग पे डिपेंड करता है किस बोर्ड में पड़ता है, उनका रोल नंबर के हिसाब से हो रहा है ना। रिमेडिकल तो रिमेडिकल क्लियर 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 लोगों का हो जाता है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रिमेडिकल प्रोसेस ईजी है। चलिए चलिए, धन्यवाद आपका, जल्दी से ज्वाइनिंग हो। Thank you so much.